जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई 2022 का महीना कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए। कुंडली के अंदर चंद्रमा 8 नंबर में बैठे हैं या आपका बोलता नाम वृश्चिक राशि के आधार पर है तो यह वीडियो आपके लिए, यानी चंद्रमा से देखा जाएगा गोचर, उसी को कहते हैं हम राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, क्योंकि चंद्रमा से गोचर देखने की प्रधानता दी गई है। चंद्रमा हमारा मन है, मन से हमारे जीवन में विचार आते हैं, उन विचारों को हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं कि मन में आया पानी पी लो, तो पहले मन में आया फिर आपने उठ के पानी पिया, मन में आया कुछ काम कर लो तब आप गए, यानी चंद्रमा मानसिकता का कारक है। इसलिए चंद्रमा से गोचर देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपकी राशि से इस महीने ग्रहों की स्थितियां बहुत ज़्यादा प्रबल हैं। वो किस लिए हैं कि आपकी राशि का जो मालिक है मंगल आपकी राशि से केंद्र में चल रहा है। आप देखिएगा कि शनि और मंगल का एक बेहतरीन योग बनता है चौथे घर के अंदर। वृश्चिक राशि के मालिक मंगल हैं। मंगल का काम है साहस और एनर्जी देने का, आपसे जीवन में मेहनत कराने का काम मंगल का है। यानी लॉजिक और तर्क की बात करते हैं, फुर्ती और जोश की बात करते हैं, साहस की बात करते हैं तो मंगल पे आती है, धैर्य की बात करते हैं, सहजता की बात करते हैं, गंभीरता की बात करते हैं तो शनि देव मिलते हैं। अब शनि और मंगल यानी धैर्य और जोश दोनों एक साथ मिल गए फोर्थ हाउस में, यहाँ से बैठ के ये आपके टेंथ हाउस को देख रहे हैं। इसका मतलब कार्य में सहजता और जोश के साथ चलकर आप लाभ लेंगे, आपका काम चलेगा, आपका कार्य विकसित होगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिलेगी। काम नहीं मिल रहा है, काम मिलेगा। काम के अंदर तेजी आना, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, कुछ गेन होना, कुछ आपके लिए बेहतर हो रहा है, वो सब इसी कॉम्बिनेशन से आता है। आप यह देखिए चतुर्थेश चौथे घर में मंगल के साथ है। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का होता है। जो लोग इस प्रकार के किसी भी काम में इन्वॉल्व हैं उनके लिए अच्छा है। शनि मंगल मशीनरी है, शनि मंगल इंजीनियरिंग वर्क है। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद का है, खेत है, खलियान है, खाद्यान है, माइंस हैं, ईंट है, पत्थर है, रोड़ी है, सीमेंट है, सड़क निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुधार कार्य हैं, बिल्डिंग मटेरियल है, वो सब फोर्थ हाउस में आते हैं और शनि मंगल इसके प्रबल कारक है। भूमि खरीदने के लिए अच्छा समय, पजेशन लेने के लिए अच्छा समय, यानी कुल मिलाकर शनि तो चतुर्थेश होकर चौथे घर में बैठेंगे, कुछ समय के लिए शश योग बनेगा, साथ में उसके राशि के मालिक मंगल उसके साथ बैठ के राजयोग में आ गए, यानी शनि और मंगल दोनों तरीके से आपके लिए बेहतर है। ये ग्रह आपको अवश्य ही अपने समय में कुछ दे के जाएंगे, हो सकता है बहुतों को दे दिया हो, नहीं होगा तो 17 मई तक हो जाएगा आपका ये काम। बिल्कुल निश्चिंत आप रहिएगा कि आपको लाभ अवश्य मिलेगा। 17 मई के बाद मंगल का ट्रांजिट यहाँ से बैठ के बृहस्पति पंचमेश के साथ धन योग बनाएगा। यहाँ से बैठ के मंगल एकादश भाव को दृष्टि देंगे, यानी लाभ के अवसर तब भी अच्छे बनेंगे। जो भी काम, जो भी योजनाएं अपने समय में बना रहे हैं, कर रहे हैं, उन पर वर्क चल रहा है, उनका आगे समय में पैसा मिलने वाला, उनका आने वाले समय में गेन और फायदा मिलने वाला। अब आप देखिएगा कि गुरु शुक्र की युति अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। पंचमेश पंचम में है, विद्या बुद्धि संतान शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए फायदा देता है। शिक्षा अधूरी है, शिक्षा पूरी हो जाएगी, संतान नहीं हो रही, संतान हो जाएगी, कंसीव हो जाएगा, संतान से संबंध मधुर हो जाएंगे, संतान का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा पंचमेश पंचम में, योजनाएं सफल हो जाएंगी, लव रिलेशनशिप्स कामयाब होंगे, लव रिलेशनशिप्स मैरिज में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उच्च का शुक्र सप्तमेश होके यहाँ है, वो द्वादशेश भी है, ये कॉम्बिनेशन मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा देखा जाता है। लाइफ में लव रिलेशनशिप्स आना, लव रिलेशनशिप्स का मैरिज में कन्वर्ट होना भी इसी योग से होता है। यानी पंचम भाव शुभ एस्पेक्ट से है, पंचम भाव के ऊपर शुभ दृष्टियां हैं, सम पंचम भाव पे शुभ ग्रह हैं। वो एक बृहस्पति जो स्वग्रही है, जो धन का कारक भी और धन का स्वामी भी, यानी धन देने वाला ग्रह, यहाँ से बैठ के बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि देंगे भाग्य स्थान पर, सातवीं दृष्टि देंगे लाभ पे और आपकी राशि पे देंगे नौवीं, यानी बृहस्पति की दृष्टि शुक्र के साथ मिलकर फल दे रही है। बृहस्पति तो यहाँ साल भर तक ही रहेंगे, लेकिन बृहस्पति के फलों के अंदर और वृद्धि एक उच्च का सौम्य ग्रह शुक्र कर रहा है, यानी ये लग्जरीज देगा, ये सुख साधन बढ़ाएगा आपके जीवन में। यानी कुल मिलाकर फिफ्थ हाउस मजबूत, बुद्धि मजबूत, योजना मजबूत और फायदा आपके लिए तैयार। अब
सप्तम में बुध है। कौन है बुध? अष्टमेश का सप्तम में जाना अच्छा नहीं, पद प्राप्ति को लेट कर सकता है, प्रमोशन को लेट कर सकता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स में थोड़ी बहुत नोकझोंक दे सकता है। अब 10 मई के बाद बुध वक्री हो जाएगा, वक्री होते ही इस ग्रह का और बल बढ़ेगा। अब एकादशेश भी प्रबल होगा तो अष्टमेश भी प्रबल होगा, लाभ के संकेत तो देता रहेगा लेकिन अड़चनों के साथ देगा, क्योंकि कहते हैं 6, 8, 12 के मालिक अगर केंद्र त्रिकोण के अंदर मजबूत हो या वक्री होते हैं तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट करते हैं। इतना प्रॉब्लम वो 6, 8, 12 में बैठ के नहीं करते जितना वो उन भावों में बैठ के करते हैं। अब सप्तम भाव विवाह है, पब्लिक इमेज है, पद प्राप्ति है, नौकरी है, व्यापार है। सप्तम भाव राशि से ही सप्तम, चौथे से चौथा, दशम से दशम है, यानी बड़ा मुख्य भाव है सप्तम भाव। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि शुक्र प्रबल रहेंगे। कब तक? 24 मई तक, यानी 24 मई तक आपके काम सफल होने के आसार ज़्यादा रहेंगे, उसके बाद आपका काम पेंडिंग हो जाएंगे, क्योंकि ये शुक्र यहाँ से निकलकर मेष राशि में पहुँच जाएंगे जहाँ इनका मिलन होगा राहु से। उसके बारे में भी हम आगे और चर्चा अवश्य करेंगे, लेकिन तब तक के लिए स्थिति अच्छी है कि 23-24 मई तक आपके काम बन जाएंगे, उसके बाद ही अड़चन या प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी। अब आप देखिएगा, छठे घर में सूर्य राहु का ग्रहण दोष है। ये ग्रहण दोष कब ज़्यादा कारगर होगा? कहने को तो सूर्य राहु की युति पूरे महीने बनेगी। ज़्यादा इफेक्टिव कब होगी? जब 10 से 17 मई आएगी, यानी 10 से लेके 15, 16 या 17 मई तक आपके प्रभाव को जान सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव 14 या 15 मई में यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य और राहु की कंजंक्शनल एक आस्पेक्ट देखें कि अंशात्मक दृष्टिकोण से देखें, बहुत मिलन उनका हो रहा है। वो कब हो रहा है? 10 से लेके 15 मई के बीच, तब सूर्य राहु एक साथ होंगे। तब कहने को उच्च का सूर्य होगा, दशमेश छठे घर के अंदर आए तो काम में संघर्ष बढ़ता है, लेकिन संघर्ष से ही सफलता मिलती है। यानी बहुत से लोग होते हैं जो कर्म करते हैं लेकिन सफल नहीं होते, लेकिन कर्म के बाद सफलता मिले तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं कि हर काम में सफलता मिल रही है, कर्म तो हर कोई कर रहा। उच्च का सूर्य जब राहु के साथ ग्रहण दोष में फंसेगा तो वो समय आपके लिए थोड़ा टिपिकल होगा। उस दौरान बिजनेस से संबंधित कोई विवाद ना फंस जाए, नौकरी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई झगड़ा झंझट ना हो जाए, उससे थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। 15 मई के बाद सूर्य यहाँ से निकलकर यहाँ पहुँच जाएंगे, तब स्थिति आपके लिए मजबूत होगी और अधिक बेहतर हो जाएगी। यानी शनि मंगल बढ़िया हैं, गुरु शुक्र बढ़िया हैं आपके लिए, सूर्य राहु का योग 10 से 15 मई क्रिटिकल है। ध्यान रखें, छठे घर में ग्रहण दोष है, छठा घर रोग ऋण रिपु, झगड़े झंझट से सावधान रहें, हेल्थ का ध्यान रखें, वाहन चलाने में सावधान रखें। हो सकता है ज़बरदस्ती आपसे कोई इलझने के लिए तैयार हो, ज़बरदस्ती आपसे कोई लड़ने के लिए तैयार हो, आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है। कोशिश करें कि भाई मुझे तो इन चीज़ों से दूर ही रहना है, जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना ठीक है। जो चिंता के विषय हैं वो मैंने आपको बताए हैं। सूर्य राहु का दोष बन रहा है, महामृत्युंजय के जप करें, सूर्य देव की उपासना करें, लाभ मिलेगा इनसे आपको, आप संकटों से बचेंगे। तो ये था मेरा आज का विषय, फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।